भाई लोग की खुशी है ये, ठीक है। तो सेकेंड चीज अभी ऐसी है कि आज का व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, एंड दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग ऑन अनबॉक्सिंग एनीथिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना चैनल मलिक जादे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया मुझे, और क्या बताओ मैं आपको, इतनी खुशी हो रही है मुझे आज कि ये व्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आई गॉट स्पॉन्सर्ड। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आई गॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अ बिग ब्रांड, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है पॉसिबल सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 10-12 व्लॉग जो भी बनाया मैंने अभी तक का, तब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। तो चलिए चलते हैं आगे और ये व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और आपको बताता हूँ कि हु इज़ द स्पॉन्सर और मैं क्या करने वाला हूँ इस व्लॉग में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आगे। तो जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा था और जो स्पॉन्सर थे, ठीक है, वो है टन 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 टन। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, दिस इज सैमसंग मोबाइल फोन। तो आज का व्लॉग में आपको सैमसंग का ये फ़ोन है वो अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा, और ये खुशी है भाई लोग की खुशी है ये, ठीक है। माई फर्स्ट व्लॉग ऑन अनबॉक्सिंग एनीथिंग, मतलब पब्लिक तो बहुत कुछ अनबॉक्स कर लेती है, जो लाया वो अनबॉक्स हो जाता है आजकल, तो कंटेंट चाहिए सिर्फ लोगों को। बट मैं आज जो है फ़ोन अनबॉक्स करने वाला हूँ, और अब यकीन मानो दिस इज S22 Ultra। It's not just the phone itself. हाँ। We have some other accessories too. Yes. हमारे भाई आपको दिखाएंगे अनबॉक्स करके। हाँ। तो सीन ऐसा है कि 2-3 चीजें हैं फोन के साथ साथ जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज। कैसा लगा मेरा मजाक? जो भी मैंने स्पॉन्सरशिप की बात किया वो सब मजाक था, बट हाँ, इन फ्यूचर अगर इसी तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और प्यार देते रहे, तो क्या पता सैमसंग आईफोन और कौन कौन से ब्रांड मिल जाए। बस आप लोगों का साथ चाहिए, है कि नहीं भाई लोग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो अभी वो जो फैक्ट बात है वो बताता हूँ कि सबसे पहला तनवीर भाई ने फ़ोन लिया था S20 Ultra 2020 में, फिर दानिश ने लिया S21 Ultra 21 में, मैंने 2022 में S22 Ultra लिया, और इसी के साथ मैंने व्लॉग्स चालू कर दिया, राइट। और आप यकीन मानोगे मैं सारा जो भी शूट कर रहा हूँ मेरे व्लॉग्स में, वो सारा फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो हमारे एक रूममेट है फहीम भाई करके, वो लेने वाले थे एप्पल का कोई तो फ़ोन, जो अभी लेटेस्ट फोन रहा है भाई, हाँ 13 Pro। बट उन्होंने जब व्लॉग्स देखा मेरा, उनको बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है कैमरा वगैरह की, और मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फोटोग्राफ्स भी अच्छे आ रहे हैं, और बाकी सारे फीचर्स भी है। तो भाई ने फिर स्विच कर लिया अपना माइंड और बोला यार मैं भी S22 Ultra लेने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन, और लेट्स स्टार्ट दी अनबॉक्सिंग नाउ। सो अभी हम लोग जो है अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये जो दिख रहा है ये केक कटिंग वाला है, क्योंकि नाइफ वाइफ कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। दिस इज अलग काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग, नॉट अ प्रोफेशनल वन, ओके। सो ये देखो सबसे पहला क्या निकला, टन टन, ये है फ़ोन। मैं आपको बताऊँ क्या क्या मिला अभी, वन और साथ एक बैक कवर, और ये है फ्री गिफ्ट सैमसंग वॉच 4, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों चीज की जो है अनबॉक्सिंग होने वाली है आज। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे स्पेशल फोन, अपना फोन, बराबर। तो कैसे लग रहा है मलिक दूसरी बार ये फोन ओपन करते हुए? बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़े कटरा डी। कटेगा सबका, कटेगा सबका, कटेगा। ओ ये फहीम भाई मुबारक हो। बाय द वे फहीम भाई ने पहले वार्निंग दे दी कि भाई मेरे को नक्को लो व्लॉग में, ये वो बिजी है, उनकी शिफ्ट चालू है, और ही इज यू नो माचो मैन, मतलब जिम में भी जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं भाई साहब, कैमरा शाह है।
ऐसे निंजा हथौड़ी डिंग 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 ठीक है। तो ये करेंगे हम लोग बिस्मिल्लाह। ओ मेरा वाह। सो अगर जिसने भी मेरा फोन नहीं देखा है तो देख लो, ये है Samsung S22 Ultra और ये 256 GB है, मेरा वाला 512 GB। ये है V-Logger और इनको करनी पड़ती है वीडियो रिकॉर्ड, जहाँ भी जाते हैं इनको करना पड़ता है रिकॉर्ड, ताकि वो आपको ले आके देते रहे कंटेंट पे कंटेंट। तो ये तो हो गया इसका, अभी मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन ऑलरेडी ऑन है। पीछे से दिखाया जाएगा, हाई ऑन करेंगे इसको। बहुत ही प्यारा फोन है यार, बहुत लाइट वेट है। कैमरा हम दिखाया जाए इसका, बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा है इन्होंने कैमरा हम। सही है। तो ये तो फोन था। आप दूसरी चीज, जितना बड़ा फोन उतने ज्यादा चिंदी गिरी। ठीक है, पहले क्या होता था, चार्जर कॉर्ड और क्या एयरफोन्स, एटलीस्ट 1 kg का जो आता है वो ओरिजिनल वाला वो तो मिलता था, क्योंकि आई वॉज अ सैमसंग यूजर बहुत पहले से। मैं दुबई जब गया था तो मेरे पास नोट 8 था, सारी चीजें उसमें भी अवेलेबल थी, राइट। बट यहाँ आप देख सकते हो खाली डब्बा है ये, और मस्त वाली एक पिन दे दी है, और ये एक केबल। इसका एडेप्टर भी नहीं है भाई लोग, एडेप्टर भी नहीं, इतनी चिंदी गिरी याद रखना। और ये छोटा सा मतलब कोई तो पढ़ता नहीं होगा मैनुअल बुक। ठीक है, अब बारी आती है गैलेक्सी वॉच 4 की। बाय द वे ये वॉच यहाँ पे एटलीस्ट $250 to $270 की है, ओके विद टैक्सेस, या $300 भी होता है अप्रॉक्स, आई गेस राइट। INR में नियर अबाउट 15,000। हाँ मतलब समझ लो आप, ये 15,000 की वॉच फ्री मिल रही है। ठीक है, फोन के साथ 15,000 की वॉच फ्री है। सिम सिम और ये हो जाएगा वहाँ पे 15,000 का फोन ले लेते हैं लोग। वॉच लग चुकी है हमें, और इसका भी बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। भाई भाई तुम्हारे आगे इसमें कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। ओहो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है, बहुत ही एलिगेंट वॉच। अगर मेरी होती तो मैं पहन के दिखाता आपको, बट नहीं, किसी और का माल है, किसी और के माल पे नजर नहीं डालते। और ये तो घड़ी है, तो हाथ तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये घड़ी मस्त हो गई है। और ये क्या है भाई, इसके अंदर आई थिंक एक्स्ट्रा स्ट्रैप ट्रैप देना चाहिए यार। क्या एड़ा बनाने की स्कीम है भाई, ये तो ये आप देख रहे हो, इसमें एड़ा बनाने की स्कीम है। पैकिंग है भाई, मैनुअल आएगा इसमें बीच में ना, वही मैनुअल जो फिर से कोई पढ़ता नहीं है। हाँ ये मैनुअल बराबर, जो कोई पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता कभी। और ये एक और USB केबल जो आपकी वॉच को रखेगा चार्ज। हाँ ये थोड़ा सा अलग है केबल, एडाप्टर। अच्छा एडाप्टर होता है ये, ओके ओके। तो इसके ऊपर ऐसा फोन मैग्नेटिक एडाप्टर है, ऐसा रखना होता है इसमें, ओके। सो ये एडाप्टर के साथ मिला हुआ है, थैंक्स सैमसंग वाले कि आपने इसमें तो एडाप्टर दे दिया ना, तो वो भी अलग से खर्चा करना पड़ता भाई। बट चलो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और बहुत ही एलिगेंट वॉच है यार, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये तो हो गई वॉच, और ये बीच में जो है इन्होंने पार्टीशन दिया हुआ है, मुझे लगा ये पूरा कुछ तो होगा, बट ये खाली एड़ा बनाने की स्कीम है। यहाँ पे ऊपर मैनुअल था और यहाँ पे एडाप्टर था चार्जर। सिलिकॉन कवर है और ये बहुत अच्छा कवर लगा मुझे, बहुत अच्छा, इसे इतना अच्छा लगा है। नजर पड़ चुकी है इस पे, ये तो शुक्र है कि इसने बिना अजम नहीं किया, लाइव मास्टर गोगो वाली हरकत नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, ये आप कवर देख सकते हो, और मैं आपको फोन में लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये कवर, इससे ना फोन जो है ना एकदम उठ के आ रहा है, स्लीक और एलिगेंट। मेरा कवर जो है थोड़ा सा बल्की है, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं, ये देखो आप, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कवर है फोन में, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखो, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। सो दिस इज विद द बैक कवर एंड दिस इज द सैमसंग फोन। सो ये था हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो। अब जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो करते हैं, तनवीर भाई आपको बताएंगे कि हाउ टू बाय अ फोन दो तरीके से, राइट सर, तीन तरीके। सबसे पहला ऑप्शन है वो तो है कि आप स्टोर में जाओ, आउटराइट जो फोन की जो वैल्यू है आउटराइट आप पे करके उसको कैश में बाय आउट कर लो। तो ये जिनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग तो यहाँ आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग हम सब के लिए, तो डेफिनेटली आउटराइट इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बाकी दो ऑप्शंस की तरफ। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप
जो फोन की कंपनी है जैसे एप्पल या सैमसंग, जिनसे भी आप फोन लेना चाहते हो उनसे आप ईएमआई करवा सकते हो, जो मंथली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप दिलवा सकते हो फोन, जो कंपनी के और आपके बीच में रहेगा, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑथराइज करवाना होता है, जो भी आपकी पेमेंट होती है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्रेडिट कार्ड से चली जाती है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको अप टू 3 ईयर्स तक का इसमें इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ कंपनी 0% फाइनेंस या 0% इंटरेस्ट पे भी ऑफर करती है, लेकिन कुछ कंपनीज तो। फॉर एग्जाम्पल अभी फहीम ने जो ये फोन लिया है ये $1400 का है, और इन्होंने इसको आउटराइट बाय किया है, और आउटराइट बाय करने पे इनको लगभग $300 की वॉच फ्री मिल गई, यानी फोन की कीमत हो गई लगभग $1100। तो ये डील है 256 GB पे। अब आते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। जो तीसरा ऑप्शन होता है वो फरहान ने ऑप्ट किया है, आपके फेवरेट वीलॉगर यूट्यूबर फरहान मलिक ने ऑप्ट किया है, थैंक यू, जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, किया है फ्रीडम मोबाइल की तरफ से, जो कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव डील ऑफर करती है कनाडा में। तो इनके पास होता है, पहली चीज, कनाडा में फोन कनेक्शंस बहुत महंगे आते हैं, अनलाइक इंडिया जहाँ पे आप जो है वो 400 या 500 रुपए में मंथली चला सकते हो, यहाँ पे जो है वो नियर अबाउट $50 फॉर 20 GB का कमिटमेंट अक्सर रहता है, यानी कि अगर आपको 20 GB का डेटा चाहिए तो एटलीस्ट आपको मिनिमम $50 जो है वो हर महीने खर्च करने होंगे, और उस पर टैक्सेस आप पकड़ोगे तो नियर अबाउट $55 to $60 का एक्सपेंस रहता है। तो इसमें क्या होता है, कंपनीज आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए जो ये हाई एंड फोन आते हैं जैसे आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया, ये सारे फोन जो है वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे ऑफर करते हैं, यानी कि आप ये सारे फोन इन कंपनी से जो है आउटराइट ना बाय करके, ईएमआई पे ना बाय करके, इनके साथ एक कमिटमेंट करके 2 साल के लिए बाय कर सकते हो, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल $80 या $100, और इसमें आपको फोन जो है वो एडेड अप करके मिल जाता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल $80 पे कर रहे हो, तो यानी अगर आप स्टैंडर्ड सिर्फ मोबाइल सिम कार्ड का प्लान लेंगे तो वो आपको आएगा नियर अबाउट $50 का, और फोन के साथ लोगे तो आपको आएगा $80 का, यानी कि आप नियर अबाउट $30 एडिशनल पे कर रहे हो फोन के लिए। $30 अगर आप 2 साल की कमिटमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट आपको पड़ता है $700 के आसपास। तो जैसे कि आपने देखा कि फहीम के फोन पे डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करके या फ्री गिफ्ट कैलकुलेट करके भी वैल्यू 1100 तक आती है, वैसे ही फोन की वैल्यू यहाँ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ ले रहे हो तो वो ऑलमोस्ट 50-60% के रेट पे आपको पड़ता है, यानी कि आपको 30-40% की डिस्काउंट मिल जाती है। और ये डिस्काउंट देने की वजह ये होती है कि इसमें जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बेयर करता है उनके साथ बने रहने के लिए, यानी ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट। समझ रहे हैं आप, तो इतना सारा मैं बोल नहीं सकता था, इसके लिए दलील रहेगा, मैं बोला था भाई तू बोल देना यार, मेरे खाली फोन लेने से मतलब है। और हाँ, एक और चीज क्या, बोलो बोलो, पहले तुम बोलो। 2000 सब्सक्राइबर्स ये लेके बैठा है, 2.0K सब्सक्राइबर्स है, और आप सबका साथ रहेगा तो जल्दी ये 2.0M सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और फिर भी ये रोता है कि मुझे बोलने नहीं आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ जो है व्लॉग को खत्म करते हैं, ज्यादा ज्ञानचो और ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं देना है। आप बोलोगे अरे यार ये कल का यूट्यूबर और अपने को पटेली करके दिखा रहा है, तो ये सब नहीं कर रहा है हमको। तो इसी के साथ जो है व्लॉग को खत्म करते हैं। मेरे को पता है क्या बोलना है अभी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपका मुबारक, और इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आप इसको यूज कर सकते हैं।